हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार ब्लॉग के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों, मैं एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। जोन से मेरे भाई अप्लाई करना चाहते थे पोलैंड का वर्क परमिट, जिसके लिए आपको चाहिए होता है नेशनल वीज़ा, जिसकी अपॉइंटमेंट आपको जो है बुक करनी पड़ती है इंडिया में VFS से, जिसको हम डी कैटेगरी का वीज़ा बोलते हैं। तो उसके लिए अब अपॉइंटमेंट्स जो है चालू हो गई है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि आपको क्या करना है। जोन से मेरे भाई जिनके पास में वर्क परमिट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वो निराश ना हो, अब उनके लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है। जिनके पास में एक साल का वर्क परमिट पोलैंड का या सीजनल वर्क परमिट पड़ा है, तो वो लोग इस वीज़े को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि किसी भाई के बहुत ज़्यादा काम आ जाए और किसी की बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अपडेट्स के लिए। नीचे मैं आईडी अपनी दे दूंगा। और अगर मेरे भाई को किसी से बात करनी हो, 1-to-1 कॉल करनी हो, तो वो डेफिनेटली नीचे जाके कंसल्टेशन बुक कर सकता है। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दोस्तों, आपको किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो वो भी आप जो है डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में। तो पोलैंड का डी वीज़ा होता क्या है, जिसको हम दूसरे शब्दों में नेशनल वीज़ा भी बोल सकते हैं, ये आपको पोलैंड के अंदर एक साल तक रहने की परमिशन प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर आप दोबारा से आपका अगर वर्क परमिट रिन्यू होता है तो आप इसको कंट्री के अंदर ही रिन्यू करवा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों। सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट होती है। जब आपको वो वर्क परमिट आपका एम्प्लॉयर जो डिस्पैच कर देता है, यानी कि आपको इन्विटेशन जो है इंडिया या दुबई या सऊदी, आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ भेज देता है, कोरियर कर देता है। तो आपको वो उसके बिना पे आपको जो सबसे पहले जो वीज़ा अप्लाई करने के लिए ना एक अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। तो इस अपॉइंटमेंट के लिए सबसे पहले तो हमें इंडिया के अंदर, आपको मालूम है कि कितना स्कैम चलता है इस चीज़ को लेके, तो लोग इसके लिए चार्ज करते हैं। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ दोस्तों, देखो ये स्कैम में आपको फंसना नहीं है। मालूम है क्यों? क्योंकि कभी भी आप ध्यान रखना मेरी एक बात का, आप VFS के अंदर या BLS इंटरनेशनल के अंदर अपॉइंटमेंट अगर आप बुक करेंगे ना, तो आपको सबसे पहले तो पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है, आपका नाम वहाँ भरना पड़ता है, इसके अलावा आपकी जो है बाकी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। जब तक आप वो डिटेल्स नहीं भरेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। और मेरे को ये बात समझ नहीं आती कि आप पेमेंट अगर एजेंट को कर भी देंगे, अगर मान लो उसके पास में पहले से अपॉइंटमेंट उठी हुई है, तो उसके अंदर आपका नाम और आपका नेम और आपका पासपोर्ट नंबर कहाँ से आएगा? बहुत सारे लोग ना ये चीज़ समझते नहीं है, ठीक है, वो फिर भी जो है एजेंट को पैसे दे देते हैं और इस चीज़ से उनके पैसे सारे डूब जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस झांसे में ना आएँ। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इस अपॉइंटमेंट को बुक करने के लिए आपने जाना है ई कॉन्सुलेट सिस्टम के ऊपर। अब मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा आपको, ठीक है। जो ई कॉन्सुलेट सिस्टम है, वो वहाँ पे एक लकी ड्रॉ सिस्टम अब चलता है पोलैंड के वर्क वीज़े की अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि डी कैटेगरी के वीज़े की अपॉइंटमेंट। जब आपने दोस्तों डी कैटेगरी के वीज़े की अपॉइंटमेंट के लिए आपने ई कॉन्सुलेट सिस्टम पर जाना है ना, आपने लिंक पर नीचे क्लिक करना है। वहाँ पर आपको साइड में ना, लेफ्ट साइड में आपको दिखेंगे वहाँ पर चार ऑप्शन, ठीक है, जिसके अंदर आपको जो है ना वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, ठीक है, वो आपने सिलेक्ट करना है और उसके अंदर आपने पूरा फॉर्म भर देना है। उसके अंदर आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नेम, निकनेम, आपका जो आप कौन सा वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, इसके अलावा आपका एम्प्लॉयर का नाम, एड्रेस, या आपने जो जहाँ पर भी आप जॉब करते हो या जॉब नहीं करते, आपकी डिटेल्स, आपकी फैमिली की डिटेल्स, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर में, आप वो पूरा चेक कर सकते हो। ऑनलाइन फिल करने के बाद में आपने नीचे जाके उसको सबमिट कर देना होता है। एक बार आप उसे सबमिट कर दोगे ना, उसके बाद में आपको ऑप्शन आ जाता है एक, ठीक है, क्या आपका जो है ना फाइल सबमिशन हो चुका है अब, यानी कि अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट आपकी पोलैंड की एम्बेसी के पास में चली गई है। अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आपको बोला लकी ड्रॉ सिस्टम का मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर मान लो किसी मेरे भाई के पास में आज वर्क परमिट आया और उसने आज नहीं की, मान लो वो सोच रहा चलो ठीक है मैं मंडे को कर दूंगा, तो देखो कोई और भाई है उसके पास में भी वर्क परमिट आया और उसने अगर आज अपॉइंटमेंट बुक कर ली, तो प्रेफरेंस उसको पहले मिलेगी। मालूम है क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अपॉइंटमेंट इशू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जब अप्लाई किया है और आपका वर्क परमिट उस भाई से पहले का रखा है, लेकिन आपकी डेट जो है, ठीक है, जाने की पोलैंड में, ठीक है, उस भाई के, ठीक है, मान के चलो, तो वो ये नहीं देखेंगे कि भाई कौन पहले है कौन बाद है। वो ये चीज़ देखेंगे कि सबसे पहले फॉर्म फिलअप करके लकी ड्रॉ सिस्टम के अंदर नाम किसका आया, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो मान लो XYZ कोई भी पर्सन है, तो उसका नाम अगर पहले आ गया, तो आपने अगर बाद में देरी कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पूरा का पूरा वर्क परमिट है उसको ख़राब होने के चांस हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपकी डेट ही निकल गई, तो पहली बात ये है उन्होंने तो सिर्फ ये बोल देना कि भाई देखो आपका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है, हम आपको वीज़ा नहीं इशू कर सकते।
ठीक है, उन्होंने एक ही रीज़न देना है हमेशा कि जस्टिफिकेशन है वो इंटेंडेड ट्रिप के हिसाब से मैच नहीं करती है। तो बस एक आपका जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश में पूरा जो है वो जस्टिफिकेशन का एक आपको मैसेज देकर एक वो देकर अपना जो है टिक लगा देंगे उसके ऊपर और आपको रिफ्यूज़ल का फॉर्म पूरा पकड़ा देंगे एक। तो अक्सर ऐसा होता है कि वर्क परमिट की वैलिडिटी के दौरान आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो ये चीज़ का प्लीज़ आप ध्यान दें, किसी भी एजेंट को आप इस चीज़ के लिए पैसे ना दें। मैं सारे लिंक नीचे डाल दूंगा आपको, यहाँ पे ई कॉन्सुलेट का सिस्टम का नीचे लिंक डाल दूंगा, इसके अलावा मैं आपको पोलैंड की एम्बेसी का लिंक डाल दूंगा नीचे, यानी कि VFS का मैं आपको लिंक डाल दूंगा नीचे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप चेक कर सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से इन्होंने लकी ड्रॉ सिस्टम भी शुरू कर दिया है, वो भी आप जाके पढ़ सकते हैं नीचे। दोस्तों यही मेरे को आपको अपडेट देनी थी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना। कोई मेरा भाई अगर मुझसे कंसल्टेशन बुक करना चाहता है या किसी भी तरह की सर्विस के बारे में डिस्कस करना चाहता है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो कुछ भी हो, तो वो मेरे साथ में नीचे जाके अपॉइंटमेंट बना के बात कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अपडेट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, कोई शानदार कंटेंट लेके आएंगे, बढ़िया आपसे डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।